बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू शगुफ्ता खान किचन। आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्पेंड अ गुड टाइम विद योर फैमिली। टुडेज रेसिपी इज क्रीमी वाइट चिकन कढ़ाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार, लजीज और आपने बहुत जगहों पे खाई होगी। रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है, ये किस तरीके से बनती है और क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, चलें चलकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे पैन में 1/2 कप ऑयल। ऑयल का टेम्परेचर तेज होने पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अनियन 2 दरमियाने साइज की, और जब तक हम वेट करेंगे जब तक ये अपने कलर चेंज ना करें, यानी कि हमें कलर जो उसका चाहिए वो चाहिए पिंक। उसको फ्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं ग्रीन चिली पेस्ट। 5 से 7 मिर्चों का आपने पेस्ट बना लेना है। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। चिकन लिए 1/2 kg। अगर आप 1 kg का कर रहे हैं तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डबल करने हैं। चिकन को भी हम तब तक वेट करेंगे जब तक चिकन व्हाइट कलर में चेंज ना हो जाए। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हमने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करने देना है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको भी उतनी पसंद आएगी जितनी कि हमें पसंद है। और देख सकते हैं आपने, चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। इस स्टेज में इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड की जाएंगे। सो जो सबसे पहले इसके अंदर जाएगा वो है दही। दही लिया है 1/2 कप। दही के बाद जो इसके अंदर ऐड होगा वो है व्हाइट पेपर और सॉल्ट। व्हाइट पेपर लिया है 2 टेबलस्पून और नमक लिया है 1 टेबलस्पून। भुना कुटा सूखा धनिया लिया है 1 टेबलस्पून। आपने सारे मसालों को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब तक आपकी चिकन गल नहीं जाती तब तक आपने इसे हाई फ्लेम पे पकने देना है। और इस स्टेज के अंदर आपने इसके अंदर ऐड करनी है कैप्सिकम, जो कि जूलियन शेप में कटिंग की गई है। और जस्ट आपने अब क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिड कवर कर इसे पकने देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। ठीक है, आफ्टर 5 to 6 मिनट्स आप देखेंगे कि आपकी चिकन अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है। इसके बाद आपने इसके अंदर फॉर इनहेंस द फ्लेवर ऑफ द कढ़ाई इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून बटर। बटर जो है आपकी चिकन के फ्लेवर को इनहेंस करेगा कढ़ाई को। और ग्रीन चिलीज डाल देंगे आप ऊपर से एज रिक्वायर्ड, जितनी आपको पसंद है खाने में। 2 से 3 अदद ली है मैंने। उसके बाद इसके जाएगा 1/2 पैकेट क्रीम। किसी भी ब्रांड की आप क्रीम यूज कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद आपने जस्ट कुछ तरीके से मिक्स करना है।
बहुत ही लजीज कढ़ाई है, इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार होगी और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। सो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई डन हो चुकी है। ऑन द वेरी लास्ट पॉइंट आप इसके अंदर ऐड करेंगे चीज स्लाइसेस, आप चाहे तो वैसे ही ऊपर रख सकते हैं, मैंने थोड़ा स्प्रेड किया है चीज को, मैं दो चीज के स्लाइस ले रही हूं, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है आपकी कढ़ाई को। और जस्ट आपने इसको मिक्स कर देना है। और आप देख सकते हैं अब हमारी मजेदार सी क्रीमी चिकन व्हाइट कढ़ाई तैयार है। फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इसे कैसे सर्व करना है, चलिए अब सर्व करते हैं कि किस तरीके की मजेदार गार्निशिंग करेंगे हम इसके ऊपर। ऑयल की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, इसमें जितना ज्यादा ऑयल होता है उतना ही मजेदार ये फ्लेवर देता है अपना। और जो हमने फ्लेवर इनहेंस करने के लिए इसके अंदर चीज और बटर ऐड किया है, इट्स टू गुड। ये कढ़ाई आप कभी भी बना सकते हैं, जैसे आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको तो बहुत ही लजीज लगी, गेस्ट क्यों अपने फैमिली के लिए बनाइए, तो उनका जरा मजेदार सा लंच या डिनर जिसमें भी आप प्रेफर करें उसमें आप ले सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज।